ये वॉइस एक नॉर्मल वॉइस है विदाउट एडिटिंग के, और ये वॉइस एक एडिट हुई भी वॉइस है विद एडिटिंग के। तो इन दोनों वॉइस में से कौन सी वॉइस ठीक लगी होगी आपको? आई थिंक सेकंड वाली, क्योंकि ये एडिट हुई भी वॉइस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉइस एडिटिंग सिखाऊंगा। इसके लिए आपको किसी भी माइक की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो लगा लो। वॉइस एडिटिंग के लिए आपको प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कहाँ से करना है, आपके अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डर ऐप होता है उसमें आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। कोई फालतू का आपने रिकॉर्डर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन में। आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपने ये ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है, जो कि आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ रिसेंट पर क्लिक करके मैं अपनी ऑडियो में मैंने की है तो मैं यहाँ पे ऑडियो में जाऊँगा। अगर आपने वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड किया तो आप वीडियो में भी जा सकते हैं। सो यहाँ से मेरी अपनी वॉइस जो है वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरी वॉइस यहाँ पर कौन सी है। सो ये रही मेरी वॉइस, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपलोड हो रही है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है, आपकी वॉइस छोटी हो जाएगी। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वॉइस को देख लेना है, जहाँ पर आपने अपने कट्स लगाने हैं वहाँ पर आप पहले अपने कट्स लगा लें। सो आप देख सकते हैं जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पर आपने कट लगाना है। कट आपने कैसे लगाना है ये इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मैं इधर यहाँ पर कट लगाता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं कुछ यहाँ पर ले कर आता हूँ। अब ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने कट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट कट हो गया है। तो इस तरीके से आपने सारे यहाँ पर कट जो है अपने लगा लेने हैं। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर सारे अपने कट लगा लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे जो है कार्ड्स लगा लिए हैं। इसको देखकर आपको यहाँ पर आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके से कार्ड्स लगाने हैं। सो अब हम अपनी इस वॉइस को एडिट करते हैं। उसके लिए आपने पहले इस ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करना है, सेकेंड नंबर पर जो आपको दिख रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपने नॉर्मल लाइज पर क्लिक करना है और आपकी पहले जो वॉइस होगी वो नॉर्मल लाइज हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपने थ्री डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना है। यहाँ से आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये एक नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं, मेरी ये सेटिंग है। सो आपने इससे की सेटिंग कर लेनी है। मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं जो इसके बैकग्राउंड पर नॉइस होगी वो सारी ये रिमूव कर देगा और बिल्कुल इसको एक वॉइस बना लेगा, बिल्कुल क्लियर वॉइस ही इसको बना देगा। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसने टाइम लिया है, पर आप देख सकते हैं जो बीच में लाइन है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसका ये मतलब है कि जो हमारी बैकग्राउंड नॉइस थी वो इसने ख़त्म कर ली है। अगेन अब आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपने यहाँ से इफेक्ट्स पर आना है और यहाँ से आपको इक्वलाइजर एम्पलीफायर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप इस साइड से बढ़ाएंगे तो आपकी वॉइस की जो बेस बढ़ेगी, अगर आप इस साइड से बढ़ाएंगे तो आपकी वॉइस की ट्रबल बढ़ेगी। तो अगर आप ये अपनी वॉइस में करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ट्रबल बढ़ाना चाहें तो ट्रबल भी बढ़ा सकते हैं, बेस बढ़ाना चाहें तो बेस भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से सेटिंग कर ली है। सो अब इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। सो ये अप्लाई करने के बाद हमारी वॉइस बिल्कुल जो है एडिट हो चुकी है। अब इसके बाद अब इसको सेव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपने ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वॉइस एडिट हो चुकी है। उसके बाद आपने ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने MP4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम आपने चेंज करना है, क्योंकि आपको ढूँढने में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना नाम यहाँ पर लिख लें। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपकी फाइल मैनेजर में चली जाएगी। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो ज़रूर सब्सक्राइब करना।
मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।